हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्णव भारती फैमिली। मैं प्रिया शर्मा, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। क्लास 11th हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट, जिसका जो आज टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और आ ही जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं इस टॉपिक से। देखिए, न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास, 2a प्लस 3b से क्या बन रहा है हमारे पास, 4c प्लस 5d, ये बन रहा है, ये हमारे पास है केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहा है, क्या गिवन, क्या क्या है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a दे रखे हैं यहां पर 10, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b दे रखे हैं हमें 50। क्या कह रहा है ये आगे, फाइंड, क्या फाइंड करने को बोल रहा है, एक तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मैं इसको फुल लिखती हूं एक बार, एक तो बोल रहा है फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, ये भी आपको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, 2a प्लस 3b, 4 बनाते हैं 4c प्लस 5d, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करो, साथ में NC मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी भी आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे करोगे आप, क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाएं। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कुछ हमें अटेम्प्ट्स देखने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप, सॉल्यूशन लिखती हूं मैं यहाँ पे, पहला स्टेप यहाँ पर मैं स्टेप्स में लिख देती हूँ। पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का, कि आपको कभी भी देखो आप, अभी तो मैं आपको क्या लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो अचानक से ही बोलता नहीं है कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करो। कई बार ऐसा होता है कि वो सिंपल क्वेश्चन दे देगा और आपको पता लगाना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम ये पता लगाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं है, इसमें दे रखा है बट कई क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता। तो देखिए कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहां देखिए 2a प्लस 3b क्या दे रहे हैं, 4c प्लस 5d। तो देखिए स्टेप फर्स्ट क्या है, जब 2a प्लस 3b मिलकर क्या बना रहा है, 4c और 5d। तो हमेशा ध्यान रखना आपको, अगर ये फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है, ये लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम है या नहीं है, उसके लिए एक फॉर्मूला लगाना है आपको, क्या, अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगर आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ a अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी अगर नॉट इक्वल टू है, किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करें इसके अंदर, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अच्छा बताइए इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कौन से हैं, पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ये और ये सब क्या कहलाते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए कितना है, 2 अपॉन बी का 3, देखते हैं किसके इक्वल है या नहीं है, एक बार इक्वल टू लगा रही हूं मैं, ठीक है। और मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं, 10, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हैं, 50, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 1/5, मतलब ये जो है 2/3 नॉट इक्वल टू 1/5, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। तो ये तो फाइंड आउट हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है, और ध्यान रखना इसका फॉर्मूला क्या है फाइंड आउट करने का, क्या प्रॉब्लम, क्या है फॉर्मूला, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी अगर नॉट इक्वल टू है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, देन इट इज द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट की न्यूमेरिकल है ये, आपको ये पता चल जाएगा, ये स्टेप फर्स्ट है। अब चलते हैं स्टेप टू की ओर, स्टेप टू में आपको क्या फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इस पूरे रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ठीक है ना, फाइंड करना है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, हमसे पूछा हुआ है ना, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड करना है आपको लिमिटिंग रिएजेंट। तो करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी एलिमेंट की, सपोज करिए यहां पर मैं ए का ले लेती हूं या कुछ भी ले लो, जिसका भी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये जिसका भी लोवेस्ट आ जाए ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसका भी लोवेस्ट आ जाए
वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये ध्यान रखना। करें, सॉल्व करें इसके अंदर, देखो 2a प्लस 3b 4c प्लस 5d, आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट तो इनमें से ही होगा, प्रोडक्ट का तो कोई काम ही नहीं है, या तो a होगा या b होगा, देखते हैं a है या b है। सबसे पहले a का देखते हैं, a का नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 10, या फिर मैं लिखती हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ a कितना है, देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a कितना है, 10 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ a कितना है, 2, क्या आंसर आया, 5। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ b कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, 50, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका, 3, ये आंसर जो 50 अपॉन 3, आप देख लो कम से कम जो इसका जाएगा 16 समथिंग आएगा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब इससे तो बड़ा ही है, इससे तो बड़ा ही है, मतलब यहां पर सबसे, मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लोवेस्ट होना चाहिए, तो इन दोनों में से लोवेस्ट क्या है, 5 बड़ा है या 16 बड़ा है, 5 बड़ा है या 16 समथिंग कुछ बड़ा है, 5 16 बड़ा है ना, तो 5 छोटा है, मतलब कि जो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा यहां पर वो ए होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा यहां पर, ए होगा, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है यहां पर, हमने फाइंड आउट कर लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है यहां पर, ए है, ठीक है, ए है लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड आउट हो गया, हमें इस आंसर का पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ए है। अब हम पता करते हैं स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड में आपको क्या पता करना है, स्टेप नंबर थर्ड में सीधी सी बात है आपको लगाना है मोल कंसेप्ट, क्योंकि आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है, आपको लगाना है मोल कंसेप्ट, क्यों, क्योंकि आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं एनसी और एनडी के, भाई हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले हमने ये निकाला कि भाई ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं है, फाइंड आउट कर लिया, दूसरा स्टेप हमें ये पता करना था कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्योंकि हमसे पूछा है फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिया, ए है, मैंने बता दिया ए आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है ना, ए यानी इसको आप ऐसे कह सकते हो भाई 2a जो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, बात एक ही है, ठीक है। अब स्टेप थर्ड में आपसे पूछा है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बताने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी बताने हैं, इसके लिए हमें निकालना है मोल कंसेप्ट, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, एक फॉर्मूला और आपको लिखवा रही हूं, एक जो कैसे हम मोल कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स, सपोज करिए मुझे निकालना है एनसी और एनडी निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मुझे डी निकालने हैं, आपको ये बात पता है ना कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उस पर ही जो है प्रोडक्ट डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड करता है, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ए, यानी 2a जो है ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसी पे डिपेंड करेगा, तो हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ a इज इक्वल टू, आपको ऐसे रिलेट करके मोल कंसेप्ट ऐसे लगाना है, और आपको किसका निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ c निकालना है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ c और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ c, ये आपका फॉर्मूला बन के आएगा, किसके लिए, अगर आपको मोल्स ऑफ क्या निकालने हैं, सी निकालने हैं, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी, ये लगेगा फॉर्मूला, ये हमेशा ध्यान रखना, मोल कंसेप्ट अपन ऐसे निकाल सकते हैं, रिलेट कर निकाल सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम्स में भी हम इसे निकाल सकते हैं, हमें पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट ए है, हमने क्या किया, ये हमारा फॉर्मूला बन के आएगा, ये दो फॉर्मूले बन के आएंगे हमारे, पहला, पहले में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी मिल जाएगा, दूसरे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी मिल जाएगा हमें, तो चलिए वन बाय वन हम दोनों अप्लाई करते हैं, पहले अप्लाई करते हैं, अगर हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी निकालने हैं तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, तो देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है, कितना है, 10, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए कितना है, 2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, तो हमें निकालने हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी कितना है, 4, सॉल्व करो इसको, 2 5 सा और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना आ रहा है, 20, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, आंसर आ गया, इसका हमें आंसर मिल गया, क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, 20, जितने भी आंसर जा रहे हैं मैं ऊपर लिखती जा रही हूं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, लिमिटिंग रिएजेंट के एल आर कौन है, एल आर हमारा है ए, ठीक है, इसको आप 2a भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी पूछे थे, बता दिया 20, फॉर्मूला हमने ये लगा दिया, ठीक है। अब हमें पता करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, देखते हैं क्या है, मैं इसको रब कर रही हूं, उसको मिटा लेना,
अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी, यही लगेगा फॉर्मूला, बस आपको रिलेट करना है। और रिलेट किससे करोगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला ये है, इससे आप निकाल सकते हो, सबसे इजी फॉर्मूला है। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं, 10, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है, 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी हमें निकालने हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी ये रहा 5 कटा एंड डी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी कितने हुए, 25, कितना हुआ 25, हमारा आंसर आ गया मोल्स ऑफ डी कितने हैं 25, तो यहां पर आंसर आ गया 25, यही सारा हमें पूछा था। आया समझ में, स्टेप 3 है। पहले स्टेप में आप ये पता लगाओगे लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम है या नहीं है, क्वेश्चन है या नहीं है, वैसा तभी तो आप सॉल्व करोगे आगे। दूसरे में अगर आपसे पूछा है कि लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, तो आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करोगे, उससे फाइंड आउट करोगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका भी लोवेस्ट आएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हमारे इसमें ए का जो 2a था, बेसिकली यहां पर 2a लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, जो 2a था हमारा वो था, क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट था। दूसरा हमें पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, तो आप यहां पर ये फॉर्मूला लगाओगे कि भाई जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है आपको पता है उसी पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू जिसका भी आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ और अपॉन में उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये आपका फॉर्मूला बन के आएगा। इजी तरीके से हमारा हो चुका है ये, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। तो देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, लिखा है इफ 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड विद 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड आउट द वेट ऑफ प्रोडक्ट। अब आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। इसने बोला है अगर 50 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है 160 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में, तो बताइए प्रोडक्ट का वेट कितना है, कितना भार है प्रोडक्ट का, कितना मतलब अमाउंट में प्रोडक्ट है, वेट मतलब अमाउंट ही पूछ लिया उसने, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्या आप ये बता सकते हो कि ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन है, नहीं ना, तो इसलिए हमें स्टेप नंबर फर्स्ट फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, फिर दूसरा जाएंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट कौन सा है, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है भाई कि ये इसमें जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम है या भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखो उसकी, रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन समझ में आनी चाहिए भाई। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या देता है आपके पास, एल्यूमिना Al2O3। बैलेंस कर लेती हूं इसको, क्या होगा, ये आएगी आपके पास 4 एल्यूमिनियम प्लस 3O2 देता है आपको 2Al2O3। ये एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन से क्या मिल रहा है हमारा, एल्यूमिना Al2O3, ये रिएक्शन है बेसिकली। अब इसमें आपको 50 ग्राम एल्यूमिनियम दे रखा है, 160 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है और पूछा है भाई प्रोडक्ट का वेट कितना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं। देखिए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आपको खुद लिखनी पड़ेगी, ये तो फैक्ट है, और ये प्रॉब्लम भी ये करना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे हमें तो पता होता है कि भाई एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा, और ये सब चीजें 10th में आप पढ़ के आते हो, तो इतनी कोई हाई फाई चीज नहीं है, तो ठीक है। तो अब आप देखो पहले ये लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम है या नहीं है, कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, कैसे फाइंड आउट करेंगे, है तो यही है ना रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट तो दो है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को मैं गोला इसलिए कर रही हूं ताकि आपको ढंग से दिखे, अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, नॉट इक्वल टू आई अगर नंबर ऑफ मोल्स किसके, एल्यूमिनियम के, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 के। चलो सबसे पहले अब इसके अंदर अपने को क्या जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने की, क्या जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ मोल्स निकालने की, तो देखो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कैसे निकलेगा भाई। एल्यूमिनियम का जो गिवन वेट है वो कितना है, 54 है, ठीक है ना, ये 54 है, ध्यान रखिएगा। तो 54 ग्राम अपॉन एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 27, वैल्यू आ गई 2, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, कितना दे रखा है यहां पर गिवन वेट 160, O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 32, कितना आएगा आंसर 5। तो हमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता चल चुके हैं, रखे वैल्यू, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 4,
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 3. इक्वल है या नहीं है एक बार देख लेंगे, पर पहले देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 5, नॉट इक्वल टू आ रहा है ये. मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रॉब्लम है? लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम है. फाइंड आउट हो गया, ठीक है. तो चलिए अब चलते हैं स्टेप सेकंड में, ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा. क्योंकि अगर आपको ये पता लगाना है ना कि वेट ऑफ प्रोडक्ट कितना है, तो उसके लिए आपको ये तो पता चलना चाहिए ना कि भाई जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट पे तो डिपेंड करता है. तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्टेप 2, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है. तो करें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट. क्या फॉर्मूला होता है कि किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर लोएस्ट आ जाए तो वो क्या होगा? LR होगा. वो क्या होगा? LR यानी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है. तो चलिए A और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ही है, निकालते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना है? यहाँ पर बताया था मैंने आपको 2. देखो यहाँ पर 2 है ना, 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 2, ठीक है. स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A कितना है? 4, ठीक है. ये आ गया आपका 1/2, ठीक है. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2, ठीक है, कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना है? 3, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना है? 5, निकाला था हमने पहले. स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3. ये आ जाएगा कम से कम 1.6 समथिंग, ठीक है. तो अब आप देखिए, हाँ ये 1.6 समथिंग आएगा. तो अब आप देखिए 1/2 को भी 0.5 लिख सकती हूँ, 0.5 लिख सकती हूँ. तो मुझे बताइए 0.5 बड़ा है या 1.6? 1.6 बड़ा है तो हमें बड़े वाले को तो लेना ही नहीं है. जिसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो ये n अपॉन nc, जिसका भी n अपॉन nc लोवेस्ट आता है उसी को हम LR बोलते हैं. तो लोवेस्ट कौन सा है इन दोनों में? ये 0.5 वाला, यानी कि जो एल्यूमिनियम है वो हमारा जो है क्या है? LR है. LR क्या है हमारा? एल्यूमिनियम, ठीक है. LR हमें मिल गया क्या है? एल्यूमिनियम. अब चलो स्टेप नंबर 3, हमें क्या पूछा है? वेट ऑफ प्रोडक्ट पूछा है. उससे पहले वेट ऑफ प्रोडक्ट निकाले हमें क्या निकालना है? मोल निकालने हैं पहले. मोल से तो हमें स्टेप ऑफ प्रोडक्ट निकल जाएगा. क्या लगाना है? मोल कंसेप्ट लगाना है. अब मोल कंसेप्ट हमें लगाना है, ठीक है. तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? अब आपको पता चल गया ना कि जो एल्यूमिनियम है इसी पर डिपेंड करेगा ये एल्यूमिना, ये प्रोडक्ट इसी पर डिपेंड करेगा. मतलब जो एल्यूमिनियम है, ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है, उसी पे डिपेंड करेगा अपना ये प्रोडक्ट. ये बात पता चल गई. अब देखो कैसे लगाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? Al2O3 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Al2O3. ये लगा लेंगे फॉर्मूला, बताया था आपको. देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना है? 2. स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम कितना है आपका? 4. इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यानी Al2O3 कितना है? पता नहीं, हमें निकालना है पहले तो. और अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Al2O3 ये 2 आ गया. तो 2 से 2 गया, ये 2 से ये 2 गया. मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 कितना आ गया? 1. कितना आ गया? 1. अब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गए अगर प्रोडक्ट के, तो मोल उसका वेट निकाल सकते हैं हम. यहाँ पर निकाल रही हूँ, वेट निकाल सकते हैं क्या? क्या निकालेंगे? वेट कैसे निकलेगा? वेट ऑफ Al2O3, वेट ऑफ Al2O3 यानी प्रोडक्ट का कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2O3. तो Al2O3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 102. आप निकाल सकते हो. नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1, ठीक है. और मॉलिक्यूलर मास Al2O3 का 102. तो कितना आ गया वेट? 102 ग्राम. 102 ग्राम जो है प्रोडक्ट का वेट आ चुका है. ये पूरी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, हमारा वेट ऑफ प्रोडक्ट आ चुका है. वेट ऑफ प्रोडक्ट का जो आपका वेट ऑफ Al2O3 का जो फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास. और आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2O3 पता था कितना था? 102. तो हमारा आंसर आया है 102 ग्राम. तो ये पूरे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ये दो न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिए हैं. आज के लिए सिर्फ इतना ही. कोई भी डाउट आए आप कमेंट कर सकते हैं. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.